वेलकम्स टू मोहिनीज किचन। और आज हम बनाने वाले हैं मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड बड़ा पाव, और साथ ही इसके बनाएंगे हम बड़ा पाव के साथ खाई जाने वाली चटनी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो आइए बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम ये चटनी बना लेते हैं बड़ा पाव के साथ खाई जाने वाली। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने, और एक पैन लेकर इसमें हम ये सब ड्राई रोस्ट कर लेंगे सारे मसाले। सबसे पहले मूंगफली डाली है मैंने, ये इसको हम हल्का सा भून लेंगे करीब एक मिनट लो फ्लेम पर। देखिए मूंगफली हमारी हल्की सी भून गई है, इसको हमें प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने ये 3 से 4 साबुत लाल मिर्च लिए हैं और 5 से 6 लहसुन लिए हैं, इनको मैंने छील लिया था। देखिए मिर्च ने अपना थोड़ा कलर चेंज हो गया है, इसका ब्लैक स्पॉट आ गए हैं। तो अब इसको हम मिर्च को निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम ये लहसुन भून लेंगे हल्का सा, बिल्कुल को भी निकाल लेते हैं। और ये ग्रेट किया हुआ मैंने सूखा नारियल लिया है, इसको भी हम ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा चटक इसका कलर चेंज हो। देखिए ये भी हमारा बन गया है। अभी ये सारे प्लेट में मैंने निकाले थे, तो ठंडा हो जाए जब इसको हम पीसेंगे। ये ठंडे हो गए मसाले, एक मिक्सर जार लेके हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इसका हमें थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना। ये लहसुन डाल दिए मैंने, अब हम इसमें 1 टीस्पून ये नमक डाला है मैंने, इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद देखिए इसका कलर ऐसा था, मैंने 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इसको डालकर भी हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए ये चटनी बनकर रेडी है बड़ा पाव के साथ खाने वाली। तो आप इसको जरूर बनाएं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब हम आलू का मिक्सचर बना लेते हैं। बटाटा बड़ा बनाने के लिए मैंने एक पैन में करीब 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। हम डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स, राई के दाने 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी बिल्कुल सौंफ ली है मैंने, ये इनको भी हम ऐसे ही थोड़ा पॉप अप होने तक भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता 4 से 5, ये मैं कड़ी पत्ता डाल दी है मैंने। और अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने ऐसे क्रश कर लिया था, इसको भी हम डाल देते हैं, कूट लिया था, इसको भी डालकर हम कुछ सेकंड तक ऐसे इसको भी भून लेंगे। और ये आलू को उबाल लिया था मैंने 4 से 5, और उनको ऐसे छीलकर क्रश कर लिया है। ये आलू मैंने डाले हैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस मसाले में, थोड़ा ये मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, थोड़ी सी ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, ये अमचूर पाउडर, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो। और ये 1 चम्मच मैंने ही नमक डाला है। अच्छे से मिक्स करना है सारे मसालों को, और मिक्स करने के बाद हमें करीब इसको 2 से 4 मिनट ऐसी लो फ्लेम पर इसको हमें पकाना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं, थोड़े जहाँ बड़े टुकड़े लग रहे हैं वैसे मैं चम्मच से उनको तोड़ देती हूँ ऐसे। देखिए मसाला आलू का बनकर
हमारा रेडी है और अच्छे से पक चुका है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके हम पेड़े बना लेंगे, ऐसे पेड़े या बॉल्स कुछ भी कह सकते हैं आप, ऐसे लड्डू की शेप में। इसी तरह से हम ये सारे बना लेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो देखिए सारे हमारे बनकर रेडी है पटाटा बड़ा। अब हम ये इसका घोल बना लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने 1 कप बेसन डाला है ये, और 2 चम्मच इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से बहुत क्रिस्पी बनता है पटाटा बड़ा, तो अगर आपके पास है तो आप जरूर डाल दें इसमें। और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। थोड़ी सी मैंने 1 चुटकी डाली है हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि नमक हमने आलू में भी डाला है और इसमें बैटर में भी नमक है। तो मैंने मिक्स कर लिया है सारी चीजों को। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम घोल लेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी ना डालें, अगर एक साथ ज्यादा पानी डाल देंगे तो पतला होने का चांसेस रहते हैं बैटर को। थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालें आप, तो इसको अच्छे से फेंट लें ताकि इसमें कोई लम्ब ना रहे। देखिए ये बैटर हमारा बनकर रेडी है। और ज्यादा इसको पतला हमें नहीं बनाना, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी जिसमें दिखाई आपको। और मैंने कढ़ाई पहले ही गर्म करने के लिए रख दी थी तेल डालकर। 1 पटाटा बड़ा मैंने ये लिया और बेसन में डिप किया। इस तरह इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे पटाटा बड़ा डिप करके हम बेसन में डाल देंगे कढ़ाई में। एक बार में बहुत सारे ना डालें, जितनी आपकी कढ़ाई में आ रहे हो उतनी ही डालें, नहीं तो ये आपस में चिपकने लगते हैं और टूटने लगते हैं। फिर मैंने एक बार में 4 से 5 डाले ही, जब थोड़ा सा एक तरफ से ये सिक जाए तो हम इसको पलट देंगे। पलट पलट के इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन थोड़े से हो जाए, तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैं इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और अब मैं थोड़ा सा बेसन जो हमारा बच गया था उसका ये चूरा बना लेते हैं। ये चूरा जब हम उसमें डालते हैं ना बड़ा पाव में, तो उससे टेस्ट और डबल हो जाता है, क्योंकि बड़ा पाव अच्छा सॉफ्ट रहता है और ये चूरा अच्छा क्रिस्पी रहता है, तो बड़ा मजा आता है खाने में। तो अगर आपके पास ये थोड़ा बेसन बचा हुआ है तो आप इसको बना लें चूड़े को। और इसको पहले हमें हाई फ्लेम रखनी है जो चूड़ा बनाते टाइम। अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो उसमें पानी डालकर आप पतला कर सकते हैं। तो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक थी तो मैंने उसमें पानी नहीं डाला था। बस ये थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे, और निकालते टाइम हम गैस की फ्लेम लो कर दें। एक हमारा चूड़ा बन गया है और ये सारी चीजें रेडी हैं बड़ा पाव बनाने के लिए। तो बस अब पाव को हम बीच से कट कर लेते हैं। मैंने 2 पाव लिए हैं एक साथ। देखिए कट कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम ग्रीन चटनी लगा रही है, धनिया पुदीने और लहसुन की ग्रीन चटनी है ये, मैंने बना लिया था। वो अभी हम इमली गुड़ की मीठी लाल चटनी डाली है,
में से फैला देंगे। ये मीठी इमली गुड़ की लाल चटनी की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे ताकि चटनी लग जाए आपस में दूसरी तरफ। और ये जो हमने चटनी सबसे पहले बनाई थी ना, वो हम डाल देंगे। चटनी को आप जरूर डालें, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। एक बार जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, इस चटनी से वड़ा पाव का। और मैं थोड़ा सा ये चूड़ा डाल देती हूँ जो हमने बनाकर रखा था, इस देखिए सॉफ्ट बढ़िया वड़ा पाव और ये क्रिस्पी चूड़ा, फिर स्वाद जो है वो दुगना हो जाता है। तो देखिए सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।